तो फ्रेंड्स हमारे पास है अपाची BS6 और इसमें भाई फ्यूल पंप दो दो बार चेंज होगा। एक बार कौन पूछता है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल लगा दो। कार्बोरेटर लगाने का क्या क्या सेटिंग होता है, कैसे कार्बोरेटर लगता है, फुल सेटिंग आपको बता देंगे। और भाई कोई सी BS6 बाइक में आप आसानी से कार्बोरेटर लगा सकते हैं। भाई बहुत लोग होते हैं कन्फ्यूज होता है कि भाई कार्बोरेटर कैसे लगाना है, कौन सी सेटिंग करना है, कौन सेंसर नहीं रखना है, कौन सी सेंसर रखना है। इस कन्फ्यूज में अपनी बाइक में कार्बोरेटर नहीं लगवाते हैं, उनके बाइक में क्या होती है बार बार फ्यूल पंप खराब हो जाती है। अब मानिए इसका 6000 रुपये का फ्यूल पंप का दाम है, अगर दो बार चेंज भी हो गया तो लगभग 12000 रुपये हो गया। भाई जनता माफ नहीं करेगी, लगा रहा है फिर भी सही नहीं हो रहा था। मैं हाँ सोच रहा हूँ कि यहाँ पे इसका टोटल बड़ी पूरा तरीके से हटा दूँ, कार्बोरेटर सट गुड। इस वीडियो में बताएंगे कि BS6 बाइक में आप कार्बोरेटर किस तरीके से लगा सकते हैं, क्या क्या सामान लगता है, क्या क्या सेटिंग होता है, पूरा सेटिंग दिखाएंगे। तो फटाफट से इसका टोटल बॉडी खोलते हैं, इसका फिल्टर नंबर खोलते हैं और दिखाते हैं कार्बोरेटर किस तरीके से BS6 बाइक में आपको लगाना चाहिए और सही तरीका क्या होता है। देखिए बहुत सारे कार्बोरेटर लगाते हैं लेकिन लगाते टाइम क्या होता है, कन्फ्यूज जाते हैं और उनके बाइक में माइलेज का प्रॉब्लम आता है, मिसिंग का प्रॉब्लम, इससे प्रॉब्लम आने लगती है। लेकिन हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिसके वजह से कि यार ना ही आपकी बाइक में कोई प्रॉब्लम आएगी और ना। तो चलिए फटाफट से इसका टोटल बॉडी पूरा बाहर निकालते हैं ताकि आपको दिखा सके कार्बोरेटर सेटिंग करने में क्या क्या इसमें सामान लगना चाहिए, क्या क्या सामान लगता है। बहुत भाई होता है कि आपसे बोलेंगे भाई इतना सामान लगेगा, उस तरीके में करके आपसे काफ़ी पैसा ले लेते हैं और आपकी बाइक में कुछ खास सामान नहीं लगती, 2 से 4 सामान लगेगी। तो मैं यहाँ पे लाइव आपको करके दिखा दूँगा, 2 से 4 ही सामान लगेगी, उससे ज़्यादा सामान नहीं लगेगी और बाइक में कार्बोरेटर लगकर तैयार हो जाएगा। और भाई पिकअप बाइक का पूछिए मत, बहुत ज़बरदस्त पिकअप देती है अगर कार्बोरेटर हम डाल देते हैं BS6 बाइक में तो बहुत ही ज़बरदस्त आती है। तो फटाफट से उससे पहले इसका जो देख रहे प्रदूषण देख रहे हैं, ये प्रदूषण भी बाहर करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे सेटिंग करने में आसानी हो। चलिए फटाफट से यहाँ पे खोलते हैं, सारा चीज़ ओपन करके आपको दिखाते हैं कैसे सेटिंग करना। भाई वीडियो कम्प्लीट देखिए क्योंकि इस तरह की वीडियो बहुत कम मिलता है यूट्यूब पर देखने के लिए, तो आप देख रही है आपको कभी लगाना होगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए फटाफट से इसको निकालते हैं और दिखाते हैं क्या क्या सेटिंग इसमें आपको करना चाहिए। तो पहले मैं आपको चीज़ बताऊंगा, देखिए यहाँ पे हमने इसको निकाल कर रखा है, इसमें काफ़ी अंतर रहता है। BS6 का जो टोटल बॉडी है इसका साइज कुछ और रहता है, देखिए इसका साइज ये है, काफ़ी मोटी होती है और कार्बोरेटर का जो साइज है वो काफ़ी अंतर होती है। देखिए इसको इसलिए बाहर निकालना पड़ा क्योंकि इस यहाँ पे अगर कार्बोरेटर हम लगा रहे हैं तो यहाँ पे लगता है, यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि इसका साइज बढ़ रहता है। उसके लिए हमने दोनों जिनमी नहीं मंगाया। देखिए कभी भी आप BS6 बाइक को BS4 बनाएं तो आपको जो भी सामान डालना है जिनमी डालना है ताकि बाइक सक्सेस हो पाए। आप लोग डालते हैं तो कभी कभी क्या कहता है मैकेनिक भाई नोका सामान डालते हैं जिसकी वजह से बाइक BS4 तो बन जाती है लेकिन सक्सेस नहीं हो पाती, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये रहा कार्बोरेटर इसका, अभी यहाँ पे इसका हम बटर फलंचा बोलता है, 192 रुपये का जिनमिन आपको आ जाएगा अपाची के नाम से। तो इसको अभी हम यहाँ पे ओपन करते हैं, अभी देखिए ये रहता है इसके साइज, यहाँ पे अभी आ गया, अभी इसको हम कार्बोरेटर में बैठाएंगे तो यहाँ पे आसानी से ही आ जाएगा, यहाँ पे इसी का है तो इसीलिए इसी में आ जाएगा। देखिए अभी ये सही है, इसमें आ गया। तो चलिए ए वाला ओरिंग हम जो इसमें से निकाले हैं पुराना BS6 का ए वाला ओरिंग इसमें डालेंगे, तो इसको हम निकाल कर डालते हैं इसमें। तो चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा इसमें सुएसन डालते हैं, यहाँ पे अभी लग गया, अभी इसको कस देते हैं और यहाँ पे इसका बोल्ट हमको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसका बोल्ट खुलते टाइम ख़राब हो गया है और यहाँ पे अगर पेचकस से कस रहे हैं तो काफ़ी टाइट नहीं हो पाएगा, मतलब अच्छा टाइट नहीं होगा। तो आप कर रहे हैं तो अपने हिसाब से देख लीजिए आपको क्या उचित लग रहा है, इसमें बोल्ट लगाना चाहिए या पेचकस वाला स्क्रूप लगाना चाहिए। तो यहाँ पे हम बोल्ट लगाकर फटाफट से इसको कसते हैं और दिखाते हैं यहाँ पे फिल्टर का एडजस्टिंग कैसे करना है, कार्बोरेटर का एडजस्टिंग कैसे करना है, एक्सीलेटर तार को क्या चेंज करना पड़ेगा, क्यों ही रहेगा, टंकी में क्या करना है, सारा चीज़ आपको बता दें। इसी का रहेगा जो फिल्टर साइड लगता है यहाँ पे, यहाँ वाला क्लिप है तो इसको निकाल के यहाँ पे लगाना है और यहाँ का जो क्लिप है इधर लगाना है क्योंकि देखिए कार्बोरेटर जो लगा रहे हैं BS6 में तो ए वाला साइज मोटा रहता है, फिल्टर का साइज ए वाला मोटा रहेगा और वही हम टोटल बॉडी की बात करेंगे तो टोटल बॉडी साइज और पतला रहेगा, जैसे कि ए मोटा है और ए पतला है तो इसी कारण आपको इधर का क्लिप इधर डालना है और इधर का क्लिप इधर डालना है। तो हम इधर का क्लिप इधर कर दे रहे हैं ताकि कार्बोरेटर में कोई डिफेक्ट ना आए, तो यहाँ से इसको टाइट कर देते हैं, फुल टाइट नहीं होगा, थोड़ा टाइट होगा, तभी यहाँ पर थोड़ा टाइट हो गया। अभी हम लेंगे कार्बोरेटर और कार्बोरेटर में ये देखेंगे कि हम कार्बोरेटर अगर यहाँ पे लगा भी रहे हैं तो क्या इसमें कितना का अंतर आ रहा है, यहाँ पे कार्बोरेटर कितने पे इसका बैठना चाहिए, तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें एडजस्ट करेंगे इसको। अभी यहाँ पे आ गया और कार्बोरेटर इतना पे रहता है BS6 में जो लेगा गया, BS6 का चेसिस थोड़ा आउट रहता है क्योंकि यहाँ पे टोटल बॉडी जो होता है यहाँ पे राउंड देती है, देखिए टोटल बॉडी जो होता है यहाँ पे टेम्पर देता है, जैसे कि यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए तो इसका फिल्टर लबड़ है होस पाइप, यहाँ पे क्या हुआ देखिए थोड़ा यहाँ पे बेंड मिलेगा, यहाँ पे यहाँ से सही है, यहाँ तक सही है और यहाँ से बेंड है, उसी एक कार्बोरेटर है, कार्बोरेटर सीधा देता है, कार्बोरेटर अगर बेंड देगा तो बाइक ओवर होने लगेगी, तो यहाँ पे ऐसे लगा लेना है आपको। अभी हम लेंगे इसका फिल्टर लबड़ यहाँ पे, अब इसको करना है यहाँ से कट करना है क्योंकि इसका साइज जो है पूरा आएगा नहीं इसमें, देखिए अभी कह रहा है इसमें बॉल पड़ जा रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम कम से कम यहाँ से काट देंगे और यहाँ से काट देंगे, बिना काटे आप BS6 बाइक को BS4 नहीं बना सकते, इसके लिए यहाँ पे कट करना पड़ेगा। अगर आप पुराना BS4 का ले रहे हैं यहाँ पर फिल्टर रबड़ तो इसमें आएगा नहीं क्योंकि उसका जो है ऐसे रहता है,
BS4 वाली ऐसे रहता है होस पाइप का मुंह और इसका ऐसे रहता है। अगर आप पाइप ले भी रहे हैं तो इसमें आएगा नहीं, चपट जाएगा, तो इसको कट करना ही पड़ेगा। तो इसको हम कट कर लेते हैं और दिखाते हैं कैसे आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है, कुछ चीज़ इसमें जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, वो कट कहाँ पे करना है। ऐसे नहीं कि इधर से इधर से कट करना है, आपको यहाँ पे साइज दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा सा बेंड हुआ है और यहाँ पे मार्का लगाया है, यहीं से कट करना है। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे हम और इसे सीधा टेम्पर नहीं एकदम सीधा आपको इसको कट करना होगा। थोड़ा सीधा इसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको कट करके बाहर निकाल दिया, अभी इसका कोई गर्ज नहीं, सिर्फ इसका गर्ज पड़ेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से अगर कुछ जोड़ भी रहे हैं तो यहाँ पे ये रोक देगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिसके जैसे इसका साइज है उसी तरीके से इसको भी कट करके निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम यहाँ से ये कैसे निकालेंगे, यहाँ से लेंगे आरी ब्लेड और इसे करके थोड़ा बेंड करके, ये नहीं कि सीधा निकाल देना तो फिर से ऊँच हो जाएगा, थोड़ा बेंड करके इसको निकालना है। तो अभी देखिए यहाँ पर थोड़ा बेंड हो गया और ब्लेड की मदद से हम इसको बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से ब्लेड की मदद से इसको हम पूरा बराबर कर लेंगे ताकि इसमें ऊँच ना, अगर ऊँच रहेगा तो यहाँ पे कोई भी चीज़ हम बैठा रहे हैं तो इसमें आएगा नहीं। तो चलिए पूरा ब्लेड की मदद से इसको बराबर कर लेते हैं, कुछ तरीके से आपको भी इसको कर लेना है, पूरा बराबर होना चाहिए यहाँ पे। देखिए अभी यहाँ पे ऊँच है तो इसको भी हम बराबर कर लेंगे। तो चलिए अभी यहाँ पे हम पूरा तरीके से इसको कट कर लिया, अभी क्या करेंगे इसमें बैठाएंगे हम और बैठा के देखेंगे कि अभी कितना पे मांग रहा है, कितना तक इसको करना चाहिए ताकि इसमें फिल्टर का एडजस्टिंग जो है वो आ जाए। तो यहाँ पे अभी इसको पूरा तरीके से इसको बैठा लेंगे हम। तो चलिए यहाँ पे फिल्टर का एडजस्टिंग आ गया, लेकिन फिल्टर अभी ऊपर जा रहा था, हम इसको क्या करेंगे थोड़ा यहाँ पर डाउन कर देंगे और उसमें लगाने के लिए हमने मंगाया है सुजुकी मैक्स 100 का जो फिल्टर एयर लबड़ होता है होस पाइप वाला, उसको मंगाया था। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से पूरा इसको नहीं जोड़ेंगे, यहाँ से इसका कट करके और यहाँ पर एलपी से एलपी की मदद से यहाँ पर पूरा इसको साट देंगे और उसके बाद से इसको लेंगे हम यहाँ से। आपको देख लीजिए लगाना कैसे, अगर BS6 को आप BS4 बनाते हैं कैसे लगाना है, लगाएंगे यहाँ से इस जरिए से हम इसको कट कर देंगे। देखिए इस जरिए से बिल्कुल ही कट कर देंगे और इसको अलग अलग कर देंगे, अलग अलग दो भाग में बट जाएगा, उसके बाद से इसको हम लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हमने एडजस्टिंग कर लिया और यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से इसमें एडजस्ट हो रहा है। यहाँ पे हमने लबड़ करके इसको कार्बोरेटर में डाल लिया और यहाँ पे इसको बैठा दिया और यहाँ पे जो फिल्टर लबड़ लगता है इसका, यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा इसको बेंड करना पड़ेगा नीचे के साइड, जब भी यहाँ पे इसका जो BS6 का ऊपर दिया रहता है ऐसे, देखिए ऐसे दिया रहता है, हम इसको क्या करेंगे इसको थोड़ा डाउन कर देंगे और एलपी की मदद से आइसोलेशन मदद से इसको जाम कर देंगे और यहाँ पे इसको जाम करेंगे और यहाँ पे इसको जाम करेंगे। अब कैसे करना है चलिए करके दिखाते हैं। बाहर निकालते हैं, अभी ये पूरा बाहर आ गया, अभी इसको बाहर हम पूरा इसको जाम कर लेंगे, मतलब यहाँ पे साट देंगे इसको, इतना पे करके साट देंगे और यहाँ पे जितना इसका ब्लॉक यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे गैप एरिया है, इसको चारों ओर से हम इसको ब्लॉक करेंगे। जब तक यहाँ पे ब्लॉक नहीं करेंगे तब तक इसका साउंड जो है अच्छा से निकलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे एलपी और सोलेशन की मदद से इसको पूरा ब्लॉक कर देंगे। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पे हमने किस तरीके से इसको पूरा कम्प्लीटली सेटिंग कर दिया है और यहाँ पे सेटिंग करने के साथ यहाँ पे देखिएगा तो थोड़ा आपको गैप दिखा मिलेगा। अब यहाँ पे हमने सेटिंग किया और इसका एक्सीलेटर वायर जो है देखिए एक्सीलेटर वायर इसका पूरा नहीं लगा, एक्सीलेटर वायर नहीं चेंज करना है। एक यहाँ पे हार्डवेयर की दुकान से हमने क्लिप मार के लगाया है और यहाँ पे सोलेशन की मदद से यहाँ पे थोड़ा हमने जो वायरिंग होता है स्प्लेंडर का मैग्नेट टाइप का वायरिंग होता है वहाँ पे हमने यहाँ पे वायरिंग लगा दिया ताकि यहाँ पे पूरा टाइट बना रहे और यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे इसको थोड़ा साइड करेंगे और यहाँ से हम एलपी डाल देंगे और थोड़ा इसमें सोलेशन डाल देंगे ताकि ये टाइट हो गया। यहाँ तक देखिए पूरा सेटिंग यहाँ तक कम्प्लीट हो गया है, अब बताना है टंकी का और इसका। देखिए तो अभी सेटिंग देख लीजिए हमने किस तरीके से सब पूरा है कम्प्लीटली सेटिंग कर दिया। अब सिर्फ रह गया आपको टंकी के बारे में बताना है, टंकी को किस तरीके से एडजस्ट करना है। उससे पहले यहाँ पे जो इसका इंजेक्टर है यहाँ पे इंजेक्टर हम लगा के दिखाते हैं, आपको इंजेक्टर इस पर रखना पड़ेगा, बिना इंजेक्टर के बाइक नहीं चलेगी क्योंकि इसका जो इश्यू है कुछ और तरीके से काम करता है और सब बाइक का इश्यू कुछ और तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे जो थोड़ा थोड़ा गैप दिख रहा है आपको, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गैप दिख रहा है, तो अभी तक इसमें हम सोल्यूशन पूरा भर्क नहीं लगाए हैं, अभी इसमें सोल्यूशन भर्क लगाते हैं और यहाँ पे आपको सोल्यूशन सूख जाएगा तो आपको कुछ खास नहीं मतलब ज़्यादा बेकार नहीं दिखेगा, अभी थोड़ा आपको बिजाड़ जैसे दिख रहा है लेकिन जब सूख जाएगा तो पूरा फ्रेश दिखेगा, ये आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हम सोल्यूशन इसको लगा देते हैं, काफ़ी मोटा सोल्यूशन इसमें लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे गैप हो रहा है, अब गैप रहेगा तो इसमें से आवाज़ आएगा, इसलिए यहाँ पे सोल्यूशन लगा दे रहे हैं ताकि बाद में चल के कोई परेशानी ना हो और कोई भी चीज़ का दिक्कत ना हो, मतलब यहाँ पे साउंड का भी दिक्कत ना हो और यहाँ पे पानी वानी इसमें पड़ने का भी डर ना हो। तो यहाँ पे देखिए पूरा अच्छे तरीके से इसमें आ जा रहा है, उसी तरीके से आपको भी इसको बैठा लेना है। तो अभी ये बैठ गया, देखिए कितना आसानी से आ गया, अभी इसको अंदर से हाथ दे रहे हैं तो ये क्या हो रहा है पूरा सेटिंग हो रहा है, मतलब यहाँ पे हिल रहा है, तो इसके इस दिख रहा है कि यहाँ पे सोल्यूशन जो है इसमें गैप नहीं है, उसके साथ साथ सोल्यूशन भी यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये भी हिल रहा है तो उसके साथ साथ ये भी सेट हो जाएगा। अब चलिए दिखाते हैं टंकी का जो है प्रोसेस कैसे है और यहाँ पे इंजेक्टर में हमने बता दिया कि इंजेक्टर आपको रखना है, यहाँ पे हम लगा के भी दिखा देना है इंजेक्टर रखना है और किस तरीके से आपको रखना है। तो ये रहा इंजेक्टर, अब सिंपली क्या करेंगे यहाँ पे लेंगे हम
और यहाँ से इसको इंस्टॉल कर देंगे। अब यहाँ पे इंस्टॉल करके हम इसको क्या करेंगे, प्लास्टिक में कोई भी पन्नी में इसको बांध के और एक जगह मान लीजिए हमको यहाँ पे एडजस्ट करना है तो इसको हम इस साइड से एडजस्ट कर देंगे। मतलब ये बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। अभी किसी साइड हम इसको मान लीजिए यहीं पे, यहाँ पे पन्नी में डालकर यहाँ पे इसको ऐसे कर दिए तो अभी कहीं नहीं जाएगा, यहीं पे रहेगा। और इसमें से यहाँ पे रहेगा तो बाइक जब चलेगी स्टार्ट होगी तो इसमें से साउंड नहीं आएगा। और अदर जगह रखते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे रख दिए चाहे इंजन नीचे रख दिए तो बाइक चलेगी तो थोड़ा थोड़ा चिनचिनाहट का साउंड आएगी। और इस तरीके से कीजिए तो आपकी बाइक में साउंड इंजेक्टर का नहीं आएगी। तो चलिए टंकी बताते हैं, टंकी का क्या प्रोसेस है, कैसे क्या करना होगा आपको, इसको वेल्डिंग कराना होगा, पेट्रोल टी कैसे लगता है, इसमें सारा चीज़ दिखाते हैं। उसके बाद से बाइक कम्प्लीटली चालू करेंगे, बाइक स्मूथली स्टार्ट होगी और बहुत अच्छा खासा पिकअप देगी। देखिए जितना BS6 बाइक नहीं थी आपके चलती उतना BS4 बाइक अच्छा चलती है। यहाँ पर हमने कार्बोरेटर डाल दिया, भाई बाइक गजब का जबरदस्त चलेगी। मैं इसको चला के भी दिखाऊंगा आपको कितने का बाइक मतलब किस तरीके से चल रही है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कार्बोरेटर लगाने में बाइक किस तरीके से चल रही है। चलिए बताते हैं टंकी का क्या प्रोसेस है, कैसे करना है। तो देखिए जो हमने कार्बोरेटर डाला है, मैं चाह रहा हूँ कि आप उसका पार्ट नंबर देख लीजिए, तभी आप कार्बोरेटर लगाना है तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे ए रहा है इसका पार्ट नंबर, ये ऊपर वाला जो आपको एन से दिख रहा है 90 दिख रहा है, ये इसका पार्ट नंबर। आप इसको नोट कर सकते हैं, अगर आपको ये कार्बोरेटर खरीदना है तो आपको आसानी से पार्ट नंबर से मिल जाएगा, नहीं तो ऐसे खोजिएगा तो फिर आपको परेशानी होगा। तो चलिए सब सारा कुछ कर लिया है, अभी आपको बता दें टंकी का क्या प्रोसेस है, कैसे करना है, और उसके बाद से बाइक को आपको फटाफट से स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पे हमने टंकी जो है किस तरीके से सेटिंग करके रखा है, किस तरीके से इसको गैस बेंडिंग करा रखा है। यहाँ पे क्लीबर वाला जो पेट्रोल टी लगती है उसमें क्या होती है, यहाँ पे हम चादर लगा देते हैं और कसते कसते कभी कभी लीकेज करने लगती है या टूट जाती है। लेकिन ये जो है इस तरीका से ये टूटेगी नहीं, नहीं लीकेज करेगी। हमने कुछ दिन पहले अपाची का वीडियो डाला था, उसमें हमारे पास शिकायत आ गया एक ही भाई पेट्रोल लीकेज करी, तो हमको फिर से उसमें ओरिंग काट के यहाँ पे लगाना पड़ेगा तब के जाके कहीं हुई। तो इसीलिए हमने यहाँ पे हीरो होंडा का लगवा दिया ताकि इसमें से कोई समस्या नहीं आएगा। यहाँ पे ये जो है लीकेज वीकेज नहीं करता है और यहाँ पे ये आसानी से बढ़ जाता है। इस साइड हमने देखिए गैस बेंडिंग करा रखा है और स्प्लेंडर का पेट्रोल टी यहाँ पे डाल कर रखा है और यहाँ पे पेट्रोल खोलेंगे, पेट्रोल गिरने लगेगा। तो चलिए फटाफट से हम टंकी लगाते हैं। भाई बाइक करते भाई भाई मियाज एकदम आपकी मस्त रहेगी, इसलिए तो आप बुलाएगा कि भाई हमको पहले ही BS4 बनवा लेना चाहिए अपनी बाइक को, जब ख़राब हुई तो हम क्यों बनवाएं, पहले ही हमको बनवा कर रखना चाहिए। अब चलिए यहाँ पे फटाफट से इसको लगाते हैं, बाइक करते हैं स्टार्ट और उसके बाद से आपको चला के देखा भाई कितना पिकअप दे रही है। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने बाइक को कर दिया स्टार्ट और यहाँ पे इसको लेते हैं एक्सीलरेटर। मतलब पूरा पिकअप ले रही है भाई, एक भी नहीं दब रही है, ना ही कोई प्रॉब्लम करेगी। अभी इसको हम चला के दिखाते हैं। तो चलिए फटाफट से इसको हम पूरा वॉश करते हैं बाइक को पूरा, क्योंकि यहाँ पे पूरा कचरा हो चुका है, पूरा तरीके से इसको वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं, उसके बाद चला देखा गजब का पिकअप बाइक देगी। चलिए अभी बाइक को राइड कर रहे हैं, देख रहे हैं कितना स्पीड में बाइक जा रही है, गजब पिकअप बना रही है भाई।